नोटबंदी ने देश को क्या दिया? क्या नोटबंदी से देश का भ्रष्टाचार खत्म हुआ या फिर देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली? ये तमाम सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मोदी सरकार के उन दावों पर कई सवाल खड़े करते हैं जिन्हें लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती आई है। दरअसल जीडीपी के नए आंकड़ों से मोदी सरकार को निराशा हाथ लगी है। नोटबंदी के कारण देश की जीडीपी दर जनवरी से मार्च तिमाही में 6.1% रही, जबकि पिछले साल यानी 2016 में देश की जीडीपी 7.1% की दर से बढ़ी, जो 8% की अनुमानित दर से कम की रही है। जारी आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कई अलग तरह के मुद्दों को उठा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इससे विकास दर पर असर पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी, उत्पादकता घटेगी। अब उनकी आशंका सच साबित हो रही है। इन सबके बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। जेटली ने पुराने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें विरासत में भ्रष्टाचार मिला था जिसका हमने खात्मा किया। पुरानी सरकार में फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए जेटली ने कहा कि आज हमारी सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए हैं। जेटली के मुताबिक पुरानी व्यवस्था को बदलने के बाद भारत की साख मजबूत हुई है। इस बीच वैश्विक मंदी को भी जेटली ने जीडीपी की धीमी रफ्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी पर वैश्विक मंदी का असर पड़ा है। जेटली ने कहा कि पिछले 3 सालों में 2 साल तक मानसून खराब रहा है। जेटली ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर नोटबंदी और जीएसटी को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे बड़ा बदलाव आया, भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था खत्म हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है और उन्होंने 14वें वित्तीय आयोग के सुझाव को माना है और राज्यों को मजबूती दी गई है। तो गिरती जीडीपी को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिरती विकास दर के पीछे वैश्विक मंदी और यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखते रहिए डीबी लाइव।